तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की बदहाल सड़कों की कहानी किसी से छिपी नहीं है। जिले में खराब सड़कों के हालात ऐसे हैं कि हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। जर्जर पड़ी सड़कें कब किसे अपना निवाला बना ले ये कोई भी नहीं जानता। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बारिश की मार, सड़कें बीमार, सड़क पर गड्ढा, हादसों का अड्डा, जिम्मेदार मौन, जवाबदेह कौन? सवाई माधोपुर जिले की सड़कें पहले से ही कोई खास अच्छी हालत में नहीं थी कि उस पर बारिश ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी है। जिले की मेन सड़क के अलावा कमोबेश सभी कॉलोनियों की सड़कें पूरी तरह से उधड़ चुकी हैं और सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की सबसे पुरानी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड, इसकी हालत ये है कि यहाँ बिल्कुल आप 10 कदम बिना गड्ढों के नहीं चल सकते। सड़क के हालात इतने बदतर हैं कि वाहन चलाते वक्त जरा सा ध्यान हटने से बड़ा हादसा हो जाता है। सबसे ज्यादा खस्ता हाल आवासन मंडल की सड़कों का है। हाउसिंग बोर्ड की स्थिति आप देख रहे हो, यहाँ की जो पूरी कॉलोनी की सड़कों की बात करें अपन, केवल मेन रोड की नहीं, मेन रोड की तो स्थिति है कि बरसात में तो शायद आना जाना ही बंद हो गया था। लोगों ने अपनी गाड़ियों को अंदर रखना बंद कर दिया कि कैसे लेके जाए, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं होती है यहाँ पे। बारिश खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने जर्जर पड़ी सड़कों पर मरम्मत के नाम पर मोरम डालकर मखमल पर टाट का पैबंद लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये लोगों के लिए और भी ज्यादा घातक साबित हो रही है। नगर परिषद इलाके में सड़कों की हालत बेहद दयनीय है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द ही खराब सड़कों की सुध ली जाएगी। मानसून के दौरान जो भी नगर परिषद की जो सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं जी, उनमें जिनमें पेचवर्क होना है तो पेचवर्क हमने टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर भी हमने कर दिया। बारिश लगभग रुक चुकी है, अपने पेचवर्क का काम भी हो जाएगा, किस पे मोरम डाल लिए उसके भी वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, वो भी हम करवाएंगे। इसके अलावा आपदा विभाग को भी हमने 24 करोड़ के आसपास के जो रोड ज्यादा क्षतिग्रस्त होंगे उनके एस्टिमेट तैयार करके प्रपोजल डीएलबी को भिजवा दिया गया है, तो वहां से स्वीकृत होते हैं, उनका भी काम करवाया जाए। जिले में सड़कों की बदहाली कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से लोग रोज इन सड़कों से गुजरकर अपनी अग्नि परीक्षा देने को मजबूर हैं। इतने जबरदस्त गड्ढे हैं, पता नहीं लगता कि सड़कें हैं या गड्ढे हैं, तो दुर्घटनाएं होना लाजमी है। नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी केवल और केवल अपने दायित्व की इतिश्री कर रहे हैं। केवल लोगों को आश्वासन के नाम पर कुछ नहीं है दिया जा रहा है, तो केवल आश्वासन। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की जो सड़कें हैं उनके हाल बुरी तरीके से बदहाल हैं, दुर्घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, लेकिन ये जो परेशानियां हैं ये आखिरकार इन परेशानियों का अंत कब होगा अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर।